अस्सलाम वालेकुम। एक चिल्ला सैफुल्ला जिथे मेरा घर है गए इतने पानी आए रात न घर ये सामने घर है घर ने पैसे पानी जाता पे पानी इस साइड तो आया तो कोई घर परली साइड तो आया तो कोई घर परली साइड तो आया तो लोगों ने कुरान अगे कर दिता पानी दे पानी देकर कुरान रख दिता तो अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ दी। पानी जड़ा भी है जमीन के अंदर जाता पे वो ये पानी तो नजरता पे ये पानी जमीन के अंदर जाता पे जड़ा पानी आया तकरीबन सारा पानी जमीन के अंदर जम हो गया। अल्लाह ताला दा निज़ाम है बहुत वेखते पे जमीन छिंग जाती है जरा चढ़े हूँ वेखते पे कि किन्ना डूंगा है तो अगर थोड़ा डूंगा है तो मुड़ बजरी सड़ते ना ये घर के नाल जड़े बंद करते स अगर बहुत थले है गए तो मुड़ रहन देना है लेकिन उन्होंने बस कर दी थी बहुत थले देखो बहुत थले मशीन दे जो जो पाकट है वो थले नहीं जाता तकरीबन शमाल जनू 3-4 किलोमीटर फटी है तो मुड़ शमाल जनू जो मुरब्बे दायरे फट गई जमीन बस वो घर सारे बच गए पानी सारा थले चला गया ते बहुत ही तीन बहुत ही थले जमीन फटी है तो बहुत ही निजाम शमाल जनू फटते ना तो मुड़ मच्छर कड़े पाते एक लाइन फटी है तकरीबन 3-4 किलोमीटर तो ये है ने भाई अल्लाह ताला दे ताकत है जेड़े छोटे होंगे से कारून का किस्सा पढ़ते से अजीब लगता कि कारून जमीन के बिच किमें वड़दा लेकिन अज वेख लिया कि जमीन अल्लाह ताला का टाइम नहीं लगता जमीन उत्ते अल्लाह ताला ने बनाई हुई है अल्लाह ताला ने अपने ताकत नाल बनाई हुई है जमीन की औकात है अल्लाह ताला दे अगे तो बस ये कुरान अगे किता ने अल्लाह ताला ने जमीन फाड़ सटी तकरीबन 3-4 फुट चौड़ाई है जमीन तबाही की लंबाई तो बहुत है 5-6 किलोमीटर एक साइड से 5-6 किलोमीटर दूसरे साइड से ये जमीन फटी हुई है। मैं क्या मैं लाइव वीडियो चलाई है तो मैं क्या लोगों ने मैं दिखा देव अल्लाह करे कोई नसीहत।